आप सभी का स्वागत है AISP एजुकेशन में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया। आप अपने एडमिट कार्ड को किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं, आप अपने एडमिट कार्ड को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपना फॉर्म नंबर भूल चुके हैं, आपके पास अपना फॉर्म नंबर नहीं है, तो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने फॉर्म नंबर को पा सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाके सर्च करना होगा ccsu.web.in एडमिट कार्ड। जैसे आप इसको सर्च करते हैं, आपको सबसे पहले जो लिंक दिखाई देता है एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन 2019-20 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। आप जैसे अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म नंबर और कपेज कोड भरने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर दे देना है और कपेज कोड को फिल करके सर्च कर लेना है। आप जैसे ही सर्च कर लेते हैं, आपको आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना फॉर्म नंबर जानना चाहते हैं, आपके पास अपना फॉर्म नंबर नहीं है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा गया है कि आप अपने फॉर्म नंबर जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं, आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज, कोर्स, जेंडर और कैंडिडेट नेम, इन सभी को फिल करना है। इन सभी को फिल करने के बाद आपको कैपेज कोड को फिल करके सबमिट करके सर्च कर लेना है। जैसे आप ऐसे कर देते हैं, आपका आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा। आपको फॉर्म नंबर मिलने के बाद आप यहाँ पर आके अपना फॉर्म नंबर और कैपेज कोड भर के आप अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।